अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम खान सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के बारे में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक बने रहिए और इसके बारे में जो है तमाम जानकारी हासिल कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम को पता है कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी थी, यानी 1 to 8 पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप मिलती थी, उस स्कॉलरशिप को पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था। और 9th से जो डिग्री तक पोस्ट मैट्रिक थी वो स्कॉलरशिप बच्चों को आ रही थी। तो इसके चलते जब NSC पोर्टल में एप्लीकेशन सबमिट किए गए, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 to 8 की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है। इसके चलते जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी 1 to 8 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया। मगर हर साल जो है जून के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अपना स्कॉलरशिप अप्लीकेशन छोड़ दिया करती थी, मगर अब जुलाई 1st week होने आ रहा है, अभी तक जो है NSP पोर्टल ओपन नहीं हुआ है पोस्ट मैट्रिक के लिए। प्री मैट्रिक तो ऑलरेडी कैंसिल है, पोस्ट मैट्रिक के लिए अभी तक ओपन नहीं हुआ है। मगर जैसे ही कर्नाटक में नई सरकार आई तो उस नई सरकार ने अपने बजट में ये ऐलान किया कि वो माइनॉरिटीज़ के 1 to 8 के जो बच्चे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप कैंसिल की थी, उन बच्चों को, उस स्टूडेंट्स को जो है स्टेट पोर्टल में आप अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। तो ये बहुत ही खुशखबरी है माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए, जिसमें मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस और जैन्स आते हैं, क्रिश्चियंस वगैरह आते हैं। तो वो बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट्स इस साल जो है स्टेट पोर्टल में जो है अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 1 to 8। अब ये बात देखना है कि जब NSP पोर्टल ओपन होगा स्कॉलरशिप का, उसमें अगर 1 to 8 का अगर एलिजिबल हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पिछले साल का ही जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 1 to 8 को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, अगर वही कानून कंटिन्यू हुआ तो वहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्टेट पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। अभी अभी जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब ने अब बजट में ऐलान किया है कि वो 1 to 8 को, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को जो प्री मैट्रिक में हैं, 1 to 8 में हैं, उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और एक ख़ास बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ दोस्तों, कि जब हम SSP पोर्टल में स्कॉलरशिप सबमिट करते हैं तो वहाँ पर जो है NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ID सबमिट करना होता है। ये बात आपको सब पता है कि वहाँ पर NSP की ID आपको सबमिट करना पड़ता है। अब देखना यह है कि अगर NSP में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 to 8 का जो कैंसलेशन है वो नहीं हटाया, अगर उन्होंने फिर उन्हें अप्लाई करने के लिए मौका नहीं दिया, तो SSP पोर्टल में किस तरह से अप्लाई करें, इसका जो है अभी डाउट है। ये क्लियर होने वाला है कि अगले हफ्ते जो स्कॉलरशिप अप्लीकेशन ऑनलाइन में आएगा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल में, वहाँ पर देखना है कि अगर वहाँ पर NSP की ID सबमिट करना होगा या नहीं। तो ये बात तभी पता चलेगी जब NSP पोर्टल ओपन होगा, और वहाँ पर NSP पोर्टल में अगर प्री मैट्रिक को भी ऑप्शन दिया जाएगा तो ये मुमकिन है, वरना मेरे ख्याल से जो है SSP पोर्टल में उस ऑप्शन को हटा दिया जाएगा जहाँ पर हम NSP की ID सबमिट करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, अगले दिनों में मालूम होगा कि किस तरह से अप्लीकेशन होगा। और NSP पोर्टल पर भी ओपन नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो है पोस्ट मैट्रिक के हो या मेरिट कम के हो, बहुत सारे बच्चे जो हैं एडमिशन हो चुके हैं। उन तमाम लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि अप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप कब ओपन होंगे, तो NSP पोर्टल में भी पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम स्कॉलरशिप का ओपन नहीं हुआ है। मगर यहाँ पर क्या है, जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उन्होंने 1 to 8 माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है, वो अप्लीकेशन जो है अगले हफ्ते से शुरू होंगे। तो NSP पोर्टल भी शायद अगले हफ्ते ओपन होगा, तो देखेंगे, अगर वहाँ पर 1 to 8 का ऑप्शन है तो ठीक है, वरना जो है हमारे कर्नाटक के जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं जो 1 to 8 में पढ़ रहे हैं, जिन्हें NSP से अमाउंट नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वैसे बच्चे जो है, वैसे स्टूडेंट्स जो हैं
स्टेट पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कर्नाटक सरकार की तरफ से एक माइनॉरिटीज के लिए गुड न्यूज़ है, और ये अप्लीकेशन जो है अगले हफ्ते ओपन होगा। इसका अपडेट मैं फिर आपको 2-3 दिनों में देने वाला हूँ। ऐसे मजीद जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल खान जहीर सर ऑल इन वन योर होम बाय खान जहीर सर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटका।